नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। राजीव गांधी के पुतले को पेट्रोल डालकर जलाया, 24 घंटे में मिले दो पॉजिटिव। रेलवे स्टेशन पर बर्बाद हो रही है बिजली। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लुधियाना के सलेमटवारी पार्क में लगी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा को दो लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यही नहीं, एक युवक ने पुतले के गले में टायर भी डाला। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए रमनदीप सिंह मंगूमठ ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव बहोर निवासी मुख्य आरोपी मंगूमठ और मोहल्ला पीरू बंदा निवासी उसके साथी सतपाल नवी को गिरफ्तार कर लिया है। सलेमटवारी पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यह प्रतिमा काफी समय पहले लगी थी। इसके बारे में यहां के कांग्रेस नेताओं को भी कुछ पता नहीं था। साल 2018 में एक मुद्दे को लेकर युद्ध अकाली जिला प्रधान गुरदीप गोशा और मीतपाल दुगरी ने इस प्रतिमा पर काली पोत दी थी। उस समय कांग्रेस नेता गुरसिमरन मंड ने अपनी पगड़ी से काली को साफ किया था। अब कांग्रेस नेता प्रतिमा के आसपास बने पार्क को विकसित करवा रहे हैं। दूसरी खबर, गत 24 घंटों में जिले में केवल दो नए मरीज पॉजिटिव मिले हैं। तीन लोग कोरोना मुक्त हो गए हैं, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली रिपोर्ट के अनुसार 948 लोगों की रिपोर्ट है। इनमें से दो मरीज नए पॉजिटिव मिले हैं और 946 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। वर्तमान में जिले में 25 मरीज एक्टिव पॉजिटिव हैं। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 72,755 है। तीसरी खबर, सरकारी महाकामों में बिजली की बर्बादी होना कोई नई बात नहीं है। अब रेलवे स्टेशन पर भी ऐसा ही होता कुछ दिख रहा है। नागपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार परिसर में आरपीएफ थाने के बगल में बंद पड़े जनरल टिकट काउंटर परिसर में यात्रियों की कोई चहल पहल नहीं होने पर भी दिन भर लाइट और पंखे चलते रहते हैं। इससे बिजली बर्बाद हो रही है, लेकिन इस ओर रेल प्रशासन का ध्यान नहीं है। गौरतलब है कि कुछ साल पहले आरपीएफ थाने के बगल में अनारक्षित टिकट काउंटर और हॉल बनाया गया था। यहाँ से प्लेटफॉर्म पर जाने का रास्ता भी बनाया गया था। इससे यात्रियों को टिकट लेकर प्रवेश करना आसान हो रहा था। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।